तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ आप कैसे अपना एंजल फंड का अकाउंट ओपन कर सकते हो। बहुत सारे चाहते हैं शेयर मार्केट के अंदर SIP म्यूचुअल फंड करना, बॉन्ड खरीदना, लेकिन उनका एंजल फंड के अंदर अकाउंट ओपन नहीं हो पाता है, शेयर मार्केट वो नहीं कर पाते। तो बहुत आसान प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ मैं एंजल फंड का। हमेशा यहाँ पे चेंज होता रहता है एंजल फंड का अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस, बट बहुत सारे यहाँ पे अकाउंट ओपन नहीं कर पाते क्योंकि बहुत सारे प्रोसेस में वो अटक जाते हैं। ठीक है, अटकने के बाद उनका अकाउंट ओपन हो ही नहीं पाता। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई सी वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी, 5 मिनट के अंदर मैं आपका अकाउंट ओपन करके बताने वाला हूँ। मैं खुद भी आपके सामने ही लाइव करने वाला हूँ, तो वीडियो में जरूर से आगे तक बने रहिएगा ताकि आपको अकाउंट ओपनिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। तो मैं आपको एक और बात बता देता हूँ जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है एंजल फंड के बेनिफिट के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे आप देख लीजिए, आपको देखने को मिल रहा होगा 0 ब्रोकरेज ऑन इक्विटी डिलीवरी, नो हाइडन चार्जेस। हाइडन चार्जेस कुछ भी नहीं है, इक्विटी डिलीवरी के अंदर कोई भी आपके ब्रोकरेज नहीं लगता। देन 0 ब्रोकरेज फॉर फर्स्ट 30 डेज, 30 डेज के अंदर आपका ब्रोकरेज चार्जेस नहीं लगने वाला, 0 ब्रोकरेज होने वाला है यहाँ पे आपका। ऑन इंट्राडे FNO करेंसीज कमोडिटीज कुछ भी नहीं लगने वाला, ठीक है। देन 0 अकाउंट मेंटेनेंस फॉर फर्स्ट ईयर के लिए, कुछ भी आपका मेंटेनेंस नहीं लगने वाला। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आने के बाद आप आ जाओगे एंजल फंड के ऑफिशियली उस पेज पे, ठीक है। यहाँ पे आप देखते हो ये पेज आ गया है। आने के बाद यहाँ पे आपको डाउनलोड करने की बोलेगा, ठीक है, ये एप्लीकेशन की डाउनलोड करने की बोलेगा। तो हम यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद इसको हमने ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देखते हो सबसे पहले आ रहा है लॉग इन एंड साइन अप। 100% पेपरलेस KYC वाला होने वाला है, कोई भी आपका पेपर यहाँ पे वर्क नहीं होने वाला, बिल्कुल आसानी से आपका काम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे साइन अप के ऊपर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो आपको क्या क्या चीज की नीड होने वाली है। आपको रिक्वायरमेंट होगी, आप होना चाहिए 18 की एज के प्लस होना चाहिए, देन आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, देन उसके बाद आपके पास पैन कार्ड एंड बैंक अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास है, तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने के बाद सबसे पहले आपको साइनअप करते समय आपको यहाँ पे नंबर डालने होंगे, तो मैंने यहाँ पे नंबर डाल दिए। डालने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे आपका रेफरल कोड आ जाएगा, रेफरल कोड ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, नहीं आएगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। आने के बाद अब मैं आपको बता दूं, आपको यहाँ पे परमिशन अलाउ का ऑप्शन आ जाएगा, SMS, लोकेशन और कॉन्टेक्ट, ये आपको परमिशन अलाउ कर देना होगा। करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे आपको यहाँ पे OTP देखने को मिलेगा, सिंपल सा वो आपको डाल देना होगा। डालने के बाद आपको आपकी डिटेल एंटर करना होगा। डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हो, आपके मोबाइल नंबर होंगे और आपका फुल नेम होगा, ठीक है, और उसके बाद ये आ जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो कंटिन्यू विद ईमेल का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे गूगल मेल का ऑप्शन आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आप कंटिन्यू कर देना। देन उसके बाद अब ऑप्शन आएगा आपका आधार पैन कार्ड का, पैन कार्ड यहाँ पे आपको एंटर करना होगा, परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है, पैन नंबर, तो वो आप डाल देना। डालने के बाद आपका वेरीफाई होगा, आपका नाम आ जाएगा। देन उसके बाद ऑथेंटिकेट आएगा, आधार डिजिट लॉकर से आपकी KYC कंप्लीट करनी होगी, ऑथेंटिकेट करना। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड के नंबर डाल देना 12 डिजिट के, तो हम यहाँ पे 12 डिजिट के आधार कार्ड के नंबर डाल देते हैं। देन हम यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। आपके शो मेक श्योर आपके आधार कार्ड के अंदर आपका OTP मतलब नंबर लिंक होना चाहिए और वही आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, ठीक है, तो वही यहाँ पे आ जाएगा। देन यहाँ पे OTP आ चुका है, हमने डाल दिया है, और उसके अंदर एक सिक्योरिटी पिन होता है। जब भी यहाँ पे आप उसे डाउनलोड करते हो ना आधार कार्ड के PF को, तो वहां पे एक क्या नाम सिक्योरिटी का होता है, अगर आपको नहीं पता तो फॉरगेट माय पिन के ऊपर क्लिक कर देना, आपको पता चल जाएगा। मैंने यहाँ पे डाल दिया है। डालने के बाद मैं डन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो ऐसे कुछ डिटेल आ जाएगी, यहाँ पे आपकी सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो आप दोस्तों आपकी सारी डिटेल यहाँ पे आपको वेरीफाई करना होगा, देखना होगा सही है या गलत है, ठीक है। देन अलाउ के ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा वेरीफाई योर बैंक, ये कर सकते हो, पेटीएम के थ्रू आप कर सकते हो या आप मैनुअली भी कर सकते हो, दोनों यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। आपके पेटीएम में तो या फोन पे में तो आपका अकाउंट होगा, ऐसे ही वहां से आप वेरीफाई कर सकते हो, बस 1 रुपए का आपको पेमेंट करना होता है। यहाँ पे मैं मैनुअल के ऊपर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आप देखते हो यहाँ पे आपको अकाउंट डिटेल आपको एंटर कर देनी होगी। एंटर करने के बाद आपको एक फोटो कैप्चर करना होगा, फोटो यहाँ पे आप देखते हो कैप्चर हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे आपको डिजिटल सिग्नेचर करने होंगे, डिजिटल सिग्नेचर आप दोस्तों कर दिए। देन उसके बाद मेरा बैंक भी ऐड हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना होगा। लेट्स एक्टिवेट डेरिवेटिव्स FNO करेंसीज, आप चाहो तो डेरिवेटिव्स करेंसी कर सकते हो। करने के लिए आपको यहाँ पे पेमेंट प्रूफ देना होगा, मतलब यहाँ पे इनकम प्रूफ देना होगा। इनकम प्रूफ आप अपने स्टेटमेंट का दे सकते हो, ठीक है, बट यहाँ पे आप मत करना है क्योंकि आप इक्विटी के अंदर करोगे तो आपको ये जरूरत नहीं है। अगर आप करोगे तो आप अकाउंट का प्रूफ डाल देना यहाँ पे, पेमेंट प्रूफ, ठीक है।
तो यहाँ पे आप दोस्तों ओटीपी आया, तो यहाँ पे हमने क्लिक किया, नंबर आ गया, ओटीपी के ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद लिंक एंड प्रोवाइड कंसाइडर के ऊपर क्लिक कर देना होगा आपको। क्लिक करने के बाद आप दोस्तों आपकी डिटेल आ जाएगी, लाइक आपकी इनकम के बारे में पूछा जाएगा, आप कितना कमाते हो, देन आप सिलेक्ट कर देना। सिलेक्ट करने के बाद सेगमेंट्स पे ऊपर पूछा जाएगा कि इक्विटी, एफएनओ, डेरिवेटिव्स, ये सब कुछ सिलेक्ट कर देना जो भी आपको चाहिए होगा। देन सिलेक्ट एम्प्लॉय टाइप, देन उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, एडिशनल फादर्स नेम, देन जेंडर, देन मैरिड स्टेटस आ जाएगा। फोर सीट के ऊपर आपको क्लिक करना होगा, उसके बाद आपको प्रीव्यू आ जाएगा, फॉर्म आ जाएगा, वो आपको देखना होगा। देखने के बाद यहाँ पे सिंपल सा एंजल वन केवाईसी ऑन बोर्ड, आपका आधार नंबर आ जाएगा, आपको ये क्लिक करना होगा सेतु वाला, ठीक है, ये लास्ट वाला प्रोसेस है। आप देख सकते हो इनको ये वी हैव रिसीव्ड योर डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ पे इनको डिटेल मिल चुकी है आपकी। 3 वर्किंग डेज के अंदर आपका यहाँ पे अकाउंट ओपन हो जाएगा। ईमेल आईडी के अंदर आपको यहाँ पे आईडी पासवर्ड मिल जाएंगे, लॉगिन के ऊपर क्लिक करना, एप्लीकेशन के अंदर आपको एंजल वन के अंदर वहां पे साइन इन करना आईडी से और पासवर्ड से, और न्यू पासवर्ड क्रिएट कर देना। देन उसके बाद आपका अकाउंट सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो मेरा भी यहाँ पे अकाउंट ओपन हो चुका है। ऐसे यहाँ पे आपको राइट कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा हुआ जाएगा, आपका सिंपल सा ओपन हो जाएगा। देन आप एंजल वन को यूज करना स्टार्ट कर सकते हो। तो ये था एंजल वन का फुल प्रोसेस, तो जरूर से डिस्क्रिप्शन में आपको जाना होगा, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा एंजल वन का। देन वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, जरूर से एक अच्छा सा कमेंट कर देना, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भी मुझे कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं ऐसी और नेक्स्ट वीडियो के अंदर।